क्यों है रामू? कुछ नहीं। क्या बोलूं मैं? पता नहीं कैसे भाई साहब कैसे कर सकते अपने भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ में ये सब। बीजे राणा को ना वो अरुण चाची के घर वाली छत वाली सीढ़ियों से तक का दे दिया। वो तो शुक्र है गांव वालों का कि एंड मौके पे आ गया और इन्हें बचा लिया। नहीं तो कुछ भी बोलने जा रही है बीजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जान बुझ के नहीं किया जी वो एक्सीडेंट। तुम दोनों चुप रहो, क्या बात कर रहे हो? क्यों पर्दा डाल रहे हो उनकी गलतियों से? धक्के नहीं देखे गए थे? हाँ कॉलर नहीं पकड़ा था आपका, धक्के देते हुए सीढ़ियों के पास नहीं ले गए थे? तुमको कुछ हो जाता तो? अरे रे सच बोल रहे, मेरे डैड कुछ नहीं किया है जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? सवाल यही रिया ने बोला। चुप हो जाओ अमृता, तुम चली जाओ यहाँ से, हमारे फैमिली मैटर्स में बोलना बंद करो। बहुत लेक्चर दे दिए तुमने, बहुत सुन लिया। रिया, चलो, इतना गुस्सा और इतनी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि रिया हमेशा उसको उसके फैमिली मैटर्स में बोलती हुई सुनती है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिया की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी फैमिली की बातें हैं, तो कोई ऐसे बाहर का बंदा आके कुछ बोलता है तो रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि अमृता हमेशा हमारी फैमिली के बीच में आके बोले, इसलिए। और साथ ही में आप माँ जो है वो काफ़ी मान के ऊपर काफ़ी है, जो इतना उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है। हाँ क्योंकि इससे पहले सीन में पहली बार मान, आस्था, मम्मी और पापा आपस में मिलते हैं तो भैसम मसाई में मेरे पापा सीढ़ियों से गिर जाते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली गिर जाते हैं और मेरे जो ताया जी उनको बचा लेते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल जब निमृत इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है बीजी को तो थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के बोलती हैं, उनको लगता है कि मान ने गिरा और राणा उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पापा गलती से गिर जाते हैं, तो इसलिए मेरी माँ थोड़ी सी भड़की हुई है। बोलो क्यों है राणा? कुछ नहीं। क्या बोलूं मैं, पता नहीं कैसे भाई साहब कैसे कर सकते अपने भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ में ये सब। बीजे राणा को ना वो अरुण चाची की घर वाली छत वाली सीढ़ियों से तक का दे दिया। वो तो शुक्र है गांव वालों का कि एंड मौके पे आ गया और इन्हें बचा लिया। नहीं तो कुछ भी बोलने जा रही है बीजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जान बुझ के नहीं किया जी वो एक्सीडेंट। तुम दोनों चुप रहो, क्या बात कर रहे हो? क्यों पर्दा डाल रहे हो उनकी गलतियों से? Thank you.